हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए थोड़ा सा जीके, थोड़ा सा जनरल साइंस, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम जनरल साइंस और थोड़ा सा जीके के क्वेश्चन लेके आओ। तो जो हमारा करंट सेप्टेम्बर का ये महीना चल रहा है, इसका मैं कुछ करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आई हूँ। ये वीडियो मेरा DRDO लोगों के लिए ही सिर्फ है, ठीक है। जो DRDO के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो है मेरा। प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे पास होने के, ठीक है। ऑलरेडी बाहर काफ़ी बारिश हो रही है तो शायद आवाज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आवाज़ में तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको अच्छे तरीके से पर्सनली अच्छे तरीके से कमेंट्स में आपको लिख के बता दूँगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, बहुत ही ढूंढ ढूंढ के इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बहुत सारे सैम्पल्स पेपर मैं आपको देने वाली हूँ, बहुत अलग अलग तरीके के। हो सके तो पूरा आपको मैं बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस करा दूँगी कि आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर ही हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन पहले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो यहाँ पे आंसर ए है, अनेक अपवर्तन के कारण चमकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट जाएगा। आपको मैं यहाँ पे एक एक सेकेंड का वीडियो रोक रही हूँ, और आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, मेरा वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है, तो यहाँ पे आंसर बी है, मतलब 45 dB। ये dB आपको जो डेसिबल होता है आवाज़ के साउंड के लिए, उसके लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? यहाँ पे आंसर बी दिया है, विकिरणों के द्वारा। बहुत सारे स्टूडेंट ने हिंदी में कमेंट किया, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन हिंदी में वीडियो मांग रहे हैं, इसलिए मैंने हिंदी में ही वीडियो में लेके आई हूँ, ठीक है। मैं रीडिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं क्वेश्चन को क्या कर रही हूँ, एक एक सेकेंड स्टॉप कर रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करते जाना। मैंने आंसर भी सामने साथ साथ आपको दिया है, ठीक है। आपको ये मैं वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ सब लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको ये मैं वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा। आपको नहीं पसंद है आप सभी कमेंट कर सकते हो मुझे। इसी तरीके से आपको और कुछ करंट अफेयर्स चाहिए, और कुछ चाहिए वीडियोस, आप मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपके लिए अलग अलग टाइप्स की वीडियो लेके आया करूँगी। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए आप। रीडिंग में बहुत टाइम जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और आंसर ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से जूम किया, आपको अच्छे से देखना है वीडियोस को, सारे क्वेश्चन को। सेप्टेम्बर का करंट अफेयर्स में थोड़ा ये जनरल साइंस खत्म होने के बाद मैं वो भी लेके आपको दिखाने वाली हूँ कि सेप्टेम्बर में क्या करंट अफेयर्स आए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, उसमें से एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्वेशन करना है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट लेके आने के लिए, सैम्पल पेपर लेके आने के लिए एक ही मेरा एम और टारगेट होता है, अच्छे से क्वेश्चन को देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।
ये सारे पूरे आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? यहाँ पे आंसर है विद्युत विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस का, ये सारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पता क्वेश्चन को मैं पास पास भगाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम कम है, एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है आपका, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे सैंपल पेपर अभी आपको देना है मुझे। जनरल साइंस के क्वेश्चन मैंने बहुत लेके आया आपके लिए, बट आपको हो सके तो एटलीस्ट 10 या 15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी आपका जनरल साइंस का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका जनरल साइंस का है, ये भी आपका जनरल साइंस वाला ही क्वेश्चन है। अब आपके थोड़े से जीके के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है टुडे जीके करंट अफेयर्स क्वेश्चन सितंबर 17, ये सितंबर 17 का करंट अफेयर्स है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से ये पूरा देखना है। एक बार जनरल साइंस आप थोड़ा सा कम देखोगे तो चलेगा, बट जो अभी मैं जीके आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएगा, ठीक है। नीति आयोग के बारे में सबको पता है, जो नीति आयोग हमारा स्टार्ट हुआ है, प्लानिंग कमीशन के बदले अभी नीति आयोग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से देखो आप लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको फुल फॉर्म में बोलेंगे। ये एक नया डेवलपमेंट गोल्स है, इसके लिए क्या क्या डिसाइड किया यहाँ पे आपको लिखा गया है, आंसर इसका बी है। प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से देखें क्योंकि बहुत ही करंट आपके सेप्टेम्बर महीने का पूरा करंट अफेयर्स है ये। थोड़ा सा मैं फटाफट में स्क्रीन यहाँ पे करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम मुझे आपका नहीं लेना है। सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा, देखो बहुत ही करंट अफेयर्स है। आपको यहाँ पे डेट दिया 2019 का ही करंट अफेयर्स है, तो प्लीज़ मतलब ये अभी का ही करंट अफेयर्स है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये पूरा करंट अफेयर्स आपका अभी रिसेंट का है, प्लीज फ्रेंड्स आप इसको पढ़ना एक बार, पढ़ के पूरा आपको लर्न भी करना है कि क्या है आंसर क्या नहीं है। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैं आपको बताती हूँ कि आप बस एक बार रीड अप कर लेना, देख लेना ऊपर से, पर जो चीज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताऊँगी, आपको लर्न करना है, तो आपको ये सारे जीके लर्न करना है क्योंकि ये करंट का है और करंट आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये देखिए एक आपका DRDO से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन यहाँ पे है। अच्छे से क्वेश्चन आप देखिए,
सारा जीके आपको लर्न करना है। ये जो मैं अभी आपको जीके दिखा रही हूँ पूरा लर्न करना है। एक बार जनरल साइंस का क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लोगे ठीक है। बट ये जो मैं जीके अभी दिखा रही हूँ पूरा आपको करंट सेप्टेम्बर के महीने का है 2019 का, तो आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कोई और भी टॉपिक या वीडियोस चाहिए, कोई और टॉपिक के नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, तो आप क्या करोगे कमेंट करोगे, मैं रेनू आपकी हेल्प डेफिनेटली करूँगी ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है सेप्टेम्बर 15, तो पूरा सेप्टेम्बर का बहुत सारे मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं जीके लेके आई हूँ। अब ये आपका लास्ट है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है सारा जीके। देखो ये भी कैलेंडर 2019 के बारे में पूछा गया है ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए, अगर आपको किसी और टॉपिक में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। जैसे कि स्टूडेंट ने कहा था जनरल साइंस और जीके पे बनाइए, ऑलरेडी मैंने आज बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ढूंढ के लाई हूँ, ये आपको अच्छे से देखना है। एटलीस्ट जनरल साइंस आप एक बार रीडिंग करोगे तो भी चलेगा, पर जीके पूरा आपको लर्न करना है ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नए सजेशन के साथ में। कुछ और भी प्रॉब्लम होगा तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए, मैं रहूँ आपकी हेल्प के लिए हूँ पूरा। और स्मार्ट नौकरी सिर्फ आपको नई वैकेंसी के बारे में नहीं बताता, प्लस पूरा वैकेंसी को अचीव करने तक, जॉब को अचीव करने तक आपकी हेल्प करता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।